भारत के राजदूत के लिए लंबे समय से चली आ रही अमेरिका की तलाश अब खत्म हो गई है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी एरिक गारसेटी को भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति कर दी है। एरिक गारसेटी के नामांकन पर सीनेट में मतदान हुआ, जिसमें उनके नाम पर मोहर लग गई। आपको बता दें कि भारत में अमेरिकी राजदूत का पद 2 साल से भी ज्यादा समय से खाली पड़ा हुआ था। एरिक गारसेटी का विवादों से पुराना नाता रहा है। साल 2019 में मोदी सरकार ने जब CAA कानून बनाया था तो गारसेटी ने इस पर चिंता जताई थी। साल 2021 में गारसेटी ने अमेरिकी कांग्रेस के ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर वे भारत के राजदूत नियुक्त होते हैं तो CAA के संबंध में कथित मानवाधिकारों के मुद्दों को उठाएंगे। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते चले कि कौन है एरिक गारसेटी। एरिक गारसेटी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के करीबी रहे हैं। 2020 में राष्ट्रपति बाइडेन के लिए चुनाव में अहम भूमिका निभाई। एरिक गारसेटी 2013 में लॉस एंजल्स के मेयर चुने गए। गारसेटी मेयर की कुर्सी संभालने वाले पहले यहूदी व्यक्ति थे। गारसेटी की नियुक्ति पर भारत में विरोध शुरू हो गया है। CAA पर दिए उनके बयान का वीडियो वायरल हो रहा है। क्लिप के सामने आने के बाद से लोग गारसेटी और बाइडेन सरकार की आलोचना कर रहे हैं। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी और अन्य पर्यवेक्षक भी सवाल उठा रहे हैं। पूर्व रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और डिफेंस एनालिस्ट वी महालिंगम ने गारसेटी की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया। सवाल ये है कि क्या हमें देश में उनकी जरूरत है? यदि नहीं तो उन्हें क्यों स्वीकार करें? भारत में अमेरिका के राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी की नियुक्ति दोनों देशों के बीच रिश्तों में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। दरअसल राजदूत दो देशों के बीच एक पुल का काम करते हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि गारसेटी के राजदूत नियुक्त होने पर भारत और अमेरिका के बीच संबंध और मजबूत होंगे या फिर CAA को लेकर उनका पुराना रवैया दोनों देशों के बीच बेहतर होते संबंधों पर ग्रहण लगाएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।